नेशनल चैम्बर भवन में नवागत उप निदेशक उद्यान डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव एवं जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह के साथ चैम्बर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि आज की बैठक में नई स्टार्टअप हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लगाने एवं पुरानी इकाइयों के विस्तारीकरण हेतु सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर जानकारी दी जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिल सके। नेशनल चैम्बर के शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ और आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उप निदेशक उद्यान डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव और माननीय जिला उद्यान अधिकारी श्रीमती अनीता सिंह जी व सभी उद्यान के जितने भी अफसर और वरिष्ठ वो आएंगे सर। और उनका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी आगरा में उद्योगों की इस समय जो लग रहा है क्या क्या लग सकते हैं, कैसे हम उद्योग का विकास कर सकते हैं, यहाँ तो नौ सरकारी योजनाएं हैं प्रदेश और केंद्र की, उनकी सब जानकारी यहाँ पर रखी जा रही है। और उससे जो है हमने अपने यहाँ सीएआर के जैन साहब को भी बुलाया हुआ है, जिससे कि सारी जानकारी हमारे सारे सदस्यों को मुहैया किया जाए और इसका पूरा फायदा उठा के सब अपने उद्योग क्षेत्र में कार्य करें। उपनिदेशक उद्यान डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव ने बताया कि आगरा एवं फिरोजाबाद में पूरे प्रदेश का 25% आलू उत्पादन होता है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, किंतु खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयोगी नहीं है। किसानों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, अतः शीतगृह स्वामियों से निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक शीतगृह स्वामी कम से कम 10 किसान दे जो 2 हेक्टेयर में अच्छी कंपनियों के आलू का उत्पादन करें। इससे किसानों का कम से कम 10 पैकेट का उत्पादन भी बढ़ेगा, जो स्वतः ही आगे नए किसानों को जोड़ देगा। इसके अलावा उनके द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार की नई स्टार्टअप की विभिन्न योजनाओं के विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 10 वर्ष पूर्व गुजरात में आलू की पैदावार बहुत कम थी, जो आज काफी बढ़ गई है और खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग भी की जा रही है। चिप्सोना 1, 2, 3, 4, 5 आदि आलू की प्रजातियां खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयोगी होती हैं। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह भी मौजूद रहीं। आज आगरा जनपद के जितने भी शीतगृह स्वामी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए ओनर्स थे, उनके साथ बैठक हुई। इस बैठक में जो हमारी उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया कि उन योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो और लोग हैं, किसान भाई हैं, वो कैसे ले सकते हैं। खासकर प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है पर ड्राप मोर ड्राप, उसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर किसान भाइयों को कैसे लाभान्वित किया जाए, इस विषय में हम सभी लोगों ने चर्चा की और प्रयास आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक किसान भाइयों को हम जोड़ें और उनको लाभ पहुंचाएं। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में बहुत अच्छे काम हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 इस वर्ष सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसका फायदा हमारे प्रदेश को और आगरा जनपद को मिलेगा और आने वाले समय में अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित होंगी। बैठक में सीआर के जैन ने नई स्टार्टअप लगाने, सोलर पैनल लगाने हेतु सरकारी योजनाओं की बहुत अच्छी जानकारी रखते हुए सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज बंशल, कोषाध्यक्ष योगेश जिंदल, कोल्ड स्टोरेज प्रकोष्ठ चेयरमैन अजय गुप्ता, खाद्य प्रसंस्करण प्रकोष्ठ के चेयरमैन राजेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, कमल नयन, राजीव कंसल, अनुरंजन सिंगल, अजय शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।